उनको ज्ञापन दे चुके हैं, और जो बीजेपी जेजेपी के एमएलए एमपी थे मंत्री थे उनके घर के सामने भी हमने धरने दिए हैं, लेकिन उनको अभी तक यही नहीं पता लग लिया कि भाई किसान क्या मांग रहे हैं। अगर हमारी ये लंबा चलता है आंदोलन, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो किसानों ने ये भी फैसला ले लिया है कि अपनी खड़ी फसल में आग लगा देंगे, पर इस रेट में शुगर मिलों को सरकार को गन्ना नहीं देंगे। तो अभी ये है कि विरोध 100% होगा 29 तारीख को। सरपंचों के बाद किसानों ने भी किया अमित शाह की रैली का विरोध करने का ऐलान। गन्ने के भाव को लेकर सरकार से लगातार किसानों की ठनी हुई है। कल पंचकुला में भी किसानों और सरकार के बीच कोई बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आज गोहाना शुगर मिल पर किसान इकट्ठा हुए और कुछ कड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले तो किसानों ने गन्ना छिलाई बंद करने का ऐलान किया, उसके बाद 20 तारीख को शुगर मिल पर ताला जड़ने की बात कही। इसी के साथ 29 तारीख को गोहाना में होने वाली अमित शाह की रैली का विरोध करने का भी फैसला लिया गया। किसानों ने मिल के बाहर बड़ा सा टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया तो वो अपनी खड़ी फसल में आग लगा देंगे। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ मजाक किया है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन रेट नहीं बढ़ा। K9 मीडिया के लिए गोहाना से सहयोगी रुपेश के साथ अरुण कुमार की रिपोर्ट। हाँ जी प्रधान जी, क्या फैसला लिया? फैसला ये लिया गया है कि कल जो 10 तारीख को करनाल नई नाज मंडी में बड़ी महापंचायत हुई थी, और करनाल के DC के माध्यम से किसानों को ये संदेश दिया गया था कि 16 तारीख को वहाँ जो गन्ना का रेट बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनी, उससे बातचीत होगी। लेकिन कल सरकार ने वादा खिलाफी किया है, वो कमेटी बातचीत करने के लिए आई ही नहीं। इसका मतलब है किसानों का वजूद नहीं समझा सरकार ने। इस बात को लेकर किसानों में काफ़ी रोष है, और ये ऐलान कर दिया गया है पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी शुगर मिलों में आज से गन्ना छिलाई बंद हो चुकी है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सारा का सारा यार्ड आज खाली पड़ा है। और 20 तारीख को सभी शुगर मिलों के गेटों में ताले लग जाएंगे, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। अगर हमारी ये लंबा चलता है आंदोलन, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो किसानों ने ये भी फैसला ले लिया है कि अपनी खड़ी फसल में आग लगा देंगे, पर इस रेट में शुगर मिलों को सरकार को गन्ना नहीं देंगे। बिल्कुल, जब यहाँ किसान और मजदूर चाहे कर्मचारी सभी लोग इतने दुखी हैं, और अमित शाह यहाँ क्या करने आएगा? हम सरकार से अपना 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सोने के महल बनवाने के मांग रहे हो। अगर वो भी सरकार हमारी बात नहीं माने तो फिर उसको क्या अधिकार है यहाँ आने का? वो हमारे से झूठी ताली बजवाने के लिए आ रहा है। जिस तरह शुगर मिलों का उद्घाटन हुआ, चालू हुए सभी शुगर मिलों पे सहकारी मंत्री ने यह भी कहा था कि हरियाणा प्रदेश का पूरे देश में सबसे ऊंचा रेट देंगे, उससे मुखर गए हैं। तो अभी ये है कि विरोध 100% होगा 29 तारीख को। विरोध किस तरह से होगा वो अभी गोपनीय रखा हुआ है, वो समय आपको बता दिया जाएगा। ऐसा विरोध होगा पूरी दुनिया देखेगी। हाँ जी, मैं अशोक लटवाल, भारतीय किसान यूनियन से डूनी जिला अध्यक्ष सोनीपत। जो 10 तारीख की मीटिंग के बाद एक फैसला आया था, और किसानों ने भी सोचा था भाई बातचीत के माध्यम से ये हल हो जाएगा, वहाँ पर जो SP और DC ने आश्वासन दिया था कि जो गन्ना के रेट पर एक कमेटी बना रखी BJP सरकार ने, अब ये नहीं पता वो बना रखी या नहीं बना रखी है, क्योंकि उन्होंने कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला किसानों को, तो कि उनके साथ मीटिंग है आपकी, और किसानों कृषि मंत्री है और जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, तो वहाँ पर किसानों में सहमति हो गई थी। लेकिन वहाँ जब गए तो वहाँ पर न तो कृषि मंत्री मिला, न फेडरेशन MD मिला, कोई भी नहीं था, और 2 IAS अधिकारी थे, और उन्होंने कहा कि आप अपनी बात बता दो, हम ऊपर पहुँचा देंगे। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही, हम 2 महीने से बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, और जो BJP JJP के MLA MP थे मंत्री थे उनके घर के सामने भी हमने धरने दिए हैं, लेकिन उनको अभी तक यही नहीं पता लग लिया कि भाई किसान क्या मांग रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी जी थे, उन्होंने 8 बजे तक का रात का टाइम दे दिया था कि भाई बात करने के लिए अगर आना चाहे तो हम 8 बजे तक यहीं पर हैं, लेकिन वो नहीं आए, और उसके विरोध में वहीं पर ऐलान कर दिया था भाई 16-17 तारीख से छिलाई बंद और 20 तारीख से सभी मिल बंद कर देंगे, और उसी का नतीजा आप देख रहे हो। गोहाना शुगर मिल में एक बहुत बड़ा टेंट लग रहा है, और किसानों ने छिलाई बिल्कुल बंद कर दी है, यार्ड खाली पड़ा है। सभी मिलों में मैं एक और बता दूं आपको, जींद शुगर मिल में जो 5 तारीख से धरने चले थे,
कई मिलों में तो 10 तारीख से बंद कर दिया था भाई, बातचीत होगी, लेकिन जींद एक ऐसा इकलौता मिल था उसका जींद और सॉरी मैम, वहाँ पर धरने प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और वो हमारे से भी पहले बंद करें।